हेलो ऑल, इस ट्यूटोरियल में हम लूपिंग के बारे में सीखेंगे। नाउ सी में लूपिंग क्या है। लूपिंग का मतलब कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक लूप में डाल देते हैं और उन पे कंडीशन लगा देते हैं, तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती लूप रन होता रहता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी। फर्स्ट लूप इज फॉर लूप। अब जैसे कि आप कोड में देख रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया आई, उस पर कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जैसे कि फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पहले हमने उसकी इनिशियली वैल्यू ज़ीरो सेट कर दी है। देन आई इज़ लेस देन फाइव। अब ये लूप तभी तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन फाइव होगी, और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आई इंटीजर वेरिएबल है, तो आई की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3 and 4। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि लूप का फ्लो कैसे होता है। तो पहले आई को 0 इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक की। नाउ इफ़ 0 इज़ लेस देन 5, लूप रन होगा। ठीक है, तो 0 में कंडीशन ट्रू हो गई और लूप रन हो गया। अब लूप में हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है और वो प्रिंट हो जाएगा प्रोग्रामिंग फॉर लूप। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1, क्योंकि हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा रखा है। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, इज़ 1 लेस देन 5, यस इट इज़, फिर से लूप रन होगा। इसी तरह लूप आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी और लूप रन होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। 4 के बाद जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा लूप जो हम सी में सीखेंगे वो है वाइल लूप। अब इस कोड में हम देख रहे हैं कि हमने एक्स की वैल्यू को 1 डिफाइन कर दिया और फिर उस पर लूप लगाया वाइल एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब तक एक्स की वैल्यू 10 के बराबर या उससे छोटी रहेगी तब तक ये लूप रन होगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमने देखा दैट एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब ये भी इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है, तो इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आफ्टर 10 दिस लूप विल टर्मिनेट एंड इट विल नॉट रन। फिर जो तीसरा लूप हम सीखेंगे वो है डू लूप। अब इस लूप की एक खासियत होती है, ये लूप एक बार तो रन होगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। और लूप्स में हमने देखा था फॉर में, वाइल में, कि पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद वो कंडीशन चेक करता था, जबकि डू में ऐसा नहीं होता। डू में एक बार वो पूरे लूप को रन करेगा और उसके बाद आई की वैल्यू चेक करना स्टार्ट करता है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड आई। ए की वैल्यू है 5, आई की वैल्यू है 1। अब हमने डू में क्या लिखा है, प्रिंट एफ, और हम ए इंटू आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले डू का लूप रन होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब आई की वैल्यू इनिशियली हमने 1 ली थी, जो कि लूप में आने के बाद इंक्रीमेंट हुई आई प्लस प्लस से, तो अब वैल्यू हो गई है 2। इट विल चेक इफ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट। इफ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगेन वो लूप में जाएगा और लूप को रन करेगा। इस कोड में हम इफ एल्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम इस कोड में देख रहे हैं, हमने दो वैल्यूज़ ली ए एंड बी। पहले हमने ए की वैल्यू एंटर कराई यूज़र से, फिर बी की वैल्यू एंटर कराई। अब हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट हो रहा है। अगर ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी हुआ तो वो दूसरे एल्स इफ पे जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सेकेंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो कि बी इज़ ग्रेटर देन ए है, वो प्रिंट होगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो एल्स स्टेटमेंट सीधे प्रिंट होगा कि बोथ आर इक्वल। तो हम देख रहे हैं, पहले हमने इफ़ लगाया, पहली कंडीशन चेक की, फिर एल्सिफ लगा के दूसरी कंडीशन चेक की। इसके बीच में हम कई सारे एल्सिफ लगा सकते हैं और लास्ट में एक एल्स लगाया, जो कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्टली प्रिंट कर देगा। इस कोड में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। अब इस टाइप के लूप में हम क्या करते हैं कि हम यूज़र से चॉइस इनपुट कराते हैं, जैसे कि हमने लिख रखा है प्रिंट एफ 1 प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 प्रेस 2 फॉर एडिशन और एंटर योर चॉइस। तो अब हमने इसमें चॉइस को स्विच कर दिया, मतलब अब चॉइस की वैल्यू के बेसिस पे ये लूप रन होगा। जैसे कि अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तो लूप का कंट्रोल केस 1 पे चला जाएगा। केस के बाद जो भी वैल्यू लिखी है यूज़र ने, अगर उसे इनपुट किया है तो कंट्रोल उसी पे आ जाएगा।
तो हम केस वन में क्या कर रहे हैं, हम पहले दो नंबर्स का इनपुट लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे और प्रिंट कराएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। अब जैसे ही कोड में ब्रेक स्टेटमेंट को हम एनकाउंटर करेंगे, हमारा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि केस टू, डिफ़ॉल्ट, ये सब कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। फिर मान लीजिए सेकेंड बार हमने प्रेस टू किया, टू दबाया, तो हमारा कंट्रोल केस टू पे चला जाएगा और वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगेन हमने यहाँ पे फिर से ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखा है, इसका मतलब कंट्रोल फिर से लूप के बाहर आ जाएगा। लास्टली हम देख रहे हैं कि हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र ने कोई ऐसी वैल्यू एंटर की है जो कि हमारी रेंज के बाहर है, जैसे वन या टू के अलावा थ्री एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंडर में जो भी कुछ लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट होगा और कोई वैल्यूज़ और कोई लूप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रोज़हब फॉर मोर वीडियोज़।